टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती सकाफती सियाहती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। सबसे पहले हम आपको रिपोर्ट दिखाते हैं छठी एशियन पैन कॉक स्लेट चैंपियनशिप की, जिसे श्रीनगर के शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स में जम्मू कश्मीर की सरकार होस्ट कर रही है। इस चैंपियनशिप में 12 ममालिक हिस्सा ले रहे हैं और इन ममालिक के खिलाड़ी इस ट्रेनिंग कैंप में खेल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस जो इवेंट हमने कश्मीर में, ये हम दूसरी बार कर रहे हैं। 2018 में हमने इससे पहले भी किया हुआ है एशियन चैंपियनशिप, तो दूसरी बार इनाकद हो रहा है और तब हमारे पास 9 टीमें थी, इस बार हमारे पास 12 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे वियतनाम, मलेशिया, फिलिपीन, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया, बहुत सारी कंट्रीज आ रही है। We are from Malaysia, so we bring our team here to take part in the Asian 6th Championship Pencak Silat in Kashmir, India. So we hope that we will win a lot of gold medals here. So here we have our team having some preparation, some practice, so that to make themselves make themselves fit for the championship. यहाँ पे एशिया 6th एशियन चैंपियनशिप हो रही है और हमारा इंडिया ही होस्ट कर रहा है। वो काफ़ी कंट्रीज यहाँ पे आई है एशिया से, तो हमारी बेटरमेंट के लिए हम चाहेंगे कि और भी कंट्रीज इंशाल्लाह आगे आए और इस वेन्यू में हमारा साथ दें। Today I have a training for prepare Asian Championship. So we very excited and for join the competition. We
we have a target for this game. एयरफोर्स ने एयर एंड स्टैटिक डिस्प्ले की डायमंड जुबली मनाते हुए मुख्तलिफ तरह की ड्रिल्स का मुजाहरा किया। आइए इसका हवाल देखते हैं। We'll be right back.
खवातीन पेपर माश हुनरमंदों को 6 माह की ट्रेनिंग के बाद गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट्स दिए गए। दस्तकारियों के डिपार्टमेंट ने इस ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम किया था। ये ट्रेनिंग हासिल करने वाली खवातीन अब कर्जे भी हासिल कर सकती हैं ताकि अपना कारोबार शुरू कर सकें। आज ये सक्सेसफुली कंक्लूड हो गया ये प्रोग्राम, तो डायरेक्टर एनसीपीओल यहाँ पे आए हैं। हमने जो है आज का फंक्शन जो तकरीब जो है वो इस हवाले से रखी है कि एक तो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन करें और साथ ही साथ ट्रेनिंग के बाद जो है हमने सारे आर्टिजन्स को रजिस्टर भी किया, इनकी रजिस्ट्रेशन भी हम सर्टिफिकेट्स इशू करेंगे और आगे जाके जो है हम और सपोर्ट उनको देंगे, चाहे वो इन आर्टिजन्स को कॉपरेटिव सोसाइटीज़ में ऑर्गेनाइज करना हो, फाइनेंशियल सपोर्ट देना हो, आर्टिजन क्रेडिट कार्ड देना हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो है इनको हम सपोर्ट देंगे। था पेपर मशी का पूरे 6 महीने का कोर्स था हमें, ये बहुत लंबा कोर्स था हमारे लिए। हमें आज इनके इसकी सर्टिफिकेट दी जाएगी और हमारी रजिस्ट्रेशन भी हुई। रजिस्ट्रेशन से हमें ये फ़ायदा है कि हम लोन भी ले सकते हैं और एजुकेशन लोन भी ले सकते हैं। हमने पेपर माशी की ट्रेनिंग की, आज हमने 6 मंथ कोर्स कंप्लीट किया, तो उसी की सर्टिफिकेट्स और रजिस्ट्रेशन कार्ड हमें आज मिलेगा यहाँ पे। जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने पहली बार खाना बदोश कबाइल को अपने माल मवेशी की मूवमेंट की गर्ज से ट्रक मुहैया किए हैं ताकि सर्दियों की शिदत आने से पहले पहल ये कबाइल सहूलत के साथ नकल मकानी कर सकें। जैसा कि हमें सबको पता है कि जो ट्राइबल माइग्रेशन डाउनवर्ड माइग्रेशन होती है, ये जम्मू जाते हैं, इसमें ऑन फुट जाना पड़ता था, तो जिसमें इनको ऑलमोस्ट 20-25 डेज लगते थे, लेकिन इस बार गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव अच्छा है ताकि जो इनको गवर्नमेंट ये माइग्रेशन करवाए इन थ्रू ट्रांसपोर्टेशन जो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं थ्रू SRTC ट्रक्स।
हम गवर्नमेंट से इंतज़ामिया से ये कहना चाहते हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि हम जो एक पसमंदा लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनकी बहुत बड़ी मदद हुई है। क्योंकि हमें अगर प्राइवेट गाड़ियां करनी पड़ती तो हमें कम से कम 50,000 से ज़्यादा ये किराया या पैसा पड़ता, तो हमें गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी मदद मिली है। हम आप 6-7 महीने से यहाँ थे कश्मीर में, तो हम आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं चीफ डिपार्टमेंट के, जो इन्होंने हमको गाड़ियाँ दी। हमको बहुत परेशानी होती थी रास्ते में और जाता था माल भी, इसमें माल मवेशी का बहुत नुकसान होता था, तो हम चीफ डिपार्टमेंट के बहुत शुक्रगुजार हैं और DC अंतनाग के जिसने ये गाड़ी दी। योगा लाइब्रेरी सिंगापुर नामी एक प्रोफेशनल ट्रेनर ग्रुप ने श्रीनगर का दौरा किया, जहां इस ग्रुप ने योगा के फरोग की खातिर मकामी लोगों को ट्रेनिंग दी। इस जिम में एक खुसूसी रिपोर्ट देखिए। मैं वहाँ एक संस्था चलाता हूँ, उसका नाम है योगा लाइब्रेरी सिंगापुर। हम काफ़ी योगा रिलेटेड कोर्सेज और रिट्रीट्स करते हैं, तो रिट्रीट्स हम लोग हमेशा ये सब बाली, बैंकॉक, वियतनाम ही किए हैं इसके पहले। इस बार पहली बार है कि हम कश्मीर आ रहे हैं। The purpose of this visit is to kickstart a retreat from Singapore to Kashmir. Since it's a new place, hopefully it's going to be much more retreats after this. It's my first time in Kashmir, but my second time in India actually. I spent 2 months in India 11 years ago, and I actually came here to learn yoga, to do my teacher training. And I chose India because of it's so rich in culture, it's so rich in food, tradition, and there are so many places to visit. And what I really love is the experience. जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन हलीमा सादिया के साथ ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग TV कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।